In exercise 3.3, what we have? Three resistors, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are combined in series. What is the total resistance? देखिए प्यारे बच्चों, हमसे बोला गया है, we have the three resistance, R1, R2 and R3. We have the three resistance, 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. And these are connected in series. ये तीनों ही कैसे हैं? They are connected in series. Okay. Let the terminal A, terminal B, terminal C and this is terminal D. R1 के जो टर्मिनल है वो A और B है, R2 के टर्मिनल B और C है और R3 के टर्मिनल C और D है. तो हमसे पूछा गया है इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा. तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम है कि when the resistance are in series they will get added. तो जो इसका A पार्ट करते हैं, A पार्ट, total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3 is equal to 1 plus 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm is equal to 6 ohm. तो हमारा जो resultant resistance है वो है 6 ohm. यानी ये तीनों जब series में combined हो जाएंगे तो ये तीनों मिलके एक 6 ohm रेजिस्टेंस की तरह क्या करेंगे, वर्क करेंगे. ओके, नाउ कम टू द बी पार्ट. इफ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट, देखिए क्या कहा गया है, इस पूरे कनेक्शन को हम एक बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ऑल दिस सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ बैटरी और इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है 12 वोल्ट और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या दिया है, नेग्लिजिबल, यानी आर नियरली इक्वल टू 0. इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दे दिया है, 0, नेग्लिजिबल, ना के बराबर. तो हमसे पूछा गया है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी R1 का पोटेंशियल, R2 का पोटेंशियल और R3, इन तीनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल निकालना है. लेट्स सी डू द बी पार्ट. तो बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल किसका, ए बी का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल. ठीक है, या ऐसे देख लीजिए, हमसे पोटेंशियल पूछा गया है R1 का, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर. हमसे पोटेंशियल पूछा गया है R2 का और हमसे पोटेंशियल पूछा गया है R3 का. तीनों का हमसे क्या पोटेंशियल पूछा गया है. तो प्यारे बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है IR, V is equal to IR. आप सभी जानते हैं V का फॉर्मूला क्या होता है, IR. तो यहां क्या आ जाएगा, R1, R2 और R3. पोटेंशियल ऑफ R1, पोटेंशियल ऑफ R2, पोटेंशियल ऑफ R3. अब देखिए प्यारे बच्चों, R1, R2, R3 की वैल्यू मेरे पास है, बस मेरे पास क्या वैल्यू नहीं है, I की वैल्यू नहीं है. ये I क्या है, I इज द करंट जो हमें किससे मिलेगा, बैटरी से मिलेगा. I इज द करंट जो हमें किससे मिलेगा, बैटरी से. चलिए, तो बैटरी के करंट का फॉर्मूला क्या है बताइए, I is equal to E upon R plus small r. यही तो फॉर्मूला है करंट का. ठीक है, ये तो मैंने पहले भी हम यूज कर चुके हैं प्यारे बच्चों. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, I is equal to E upon R plus small r. चलिए वैल्यू पुट कीजिए,
आई इज इक्वल टू ईएमएफ कितना बेटा 12। आर क्या है ये आर ना तो आर वन है ना आर टू है ना आर थ्री है, ये आर क्या है टोटल रेजिस्टेंस, क्या है ये टोटल रेजिस्टेंस, और ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है 6। ठीक है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो यहां किसकी वैल्यू आएगी 6, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0। I is equal to 12 upon 6, यानी I is equal to 2 एम्पियर। तो बैटरी से जो करंट निकलेगा वो निकलेगा 2 एम्पियर करंट। ओके चलिए आप तो वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो VR1 क्या होगा IR1, I की वैल्यू कितनी बेटा 2, R1 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 2, I की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, हाउ मच 4, I की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 6, तो 2 वोल्ट 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट। तो बेटा A और B के बीच यह है टोटल रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच का जो वोल्ट है वो कितना आया 2 वोल्ट, बी और सी के बीच का वोल्टेज 4, और सी और डी के बीच का वोल्टेज आया है 6। क्लियर हो गया, तो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल।